करीब 4 महीनों बाद अरविंद केजरीवाल जो हैं तिहाड़ जेल से रिहा हुए, मगर उनके हौसले बिल्कुल भी पस्त नहीं थे। बकौल अरविंद केजरीवाल, क्योंकि भगवान मेरे साथ था इसलिए मैं रिहा हुआ और मैं इनके सामने नहीं झुकने वाला। अरविंद केजरीवाल जब रिहा हुए तो उनके जो समर्थक थे उनमें जबरदस्त उत्साह था। आज उनकी पत्नी ने मिठाई बांटी। जी हां, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी यहां मौजूद थे और मनीष सिसोदिया, साथ मिलकर एक तरह से उनकी रिहाई का जश्न मनाया गया। तिहाड़ जेल से रिहा होने के बाद उन्होंने कहा कि भगवान ने मेरा साथ दिया क्योंकि मैं सही था, मैं इनके खिलाफ यानी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ता रहूंगा। मेरा हौसला तोड़ने के लिए इन्होंने मुझे जेल डाला। दोस्तों, अब जबकि अरविंद केजरीवाल रिहा हो चुके हैं और न सिर्फ सीबीआई बल्कि ईडी के केस को भी सुप्रीम कोर्ट में धराशायी किया जा चुका है, इसका दिल्ली की राजनीति पर क्या असर पड़ने वाला है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार कोशिश कर रही है कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए और इसी के संदर्भ में आपको याद होगा कुछ दिनों पहले भाजपा के विधायकों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की थी और इस अपील को होम मिनिस्ट्री के सुपुर्द कर दिया गया है। दिल्ली के बॉस पहले से ही दिल्ली के LG हैं और ऐसे में अरविंद केजरीवाल की ताकत पहले से ही कुंद कर दी गई है। अब देखना यह है दोस्तों कि अरविंद केजरीवाल की रिहाई का हरियाणा के चुनावों पर क्या असर पड़ने वाला है। क्या इसका फायदा बीजेपी को होगा, क्या इसका फायदा कांग्रेस को होगा? ये तमाम सवालात हैं जो इस वक्त चर्चा में हैं। इस वक्त उन्हें क्यों रिहा किया गया है और रिहा भी किया गया है तो आखिर क्या वजह है कि उन्हें किसी भी दस्तावेज पर दस्तखत करने की आजादी नहीं होगी, अपने दफ्तर जाने की आजादी नहीं होगी, जो अपने आप में बहुत ही अजीबोगरीब बात है दोस्तों। और इसका विरोध आज एक जज जस्टिस भुइयां ने भी किया था कि यह बात मेरे समझ के परे है कि आखिर अरविंद केजरीवाल अपने दफ्तर क्यों नहीं जा सकते, आखिर क्यों वो दस्तखत नहीं कर सकते। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर लगातार सवाल उठ रहे हैं क्योंकि इस फैसले का विरोध या कहा जाए इसके खिलाफ खुद एक जज जस्टिस भुइयां ने दिया है। बहरहाल वो मौका जब अरविंद केजरीवाल बाहर आए, उनके जो तमाम समर्थक थे उनमें जबरदस्त उत्साह था। जी हां, और अरविंद केजरीवाल ने अपने समर्थकों से क्या कहा, आइए सुनते हैं। ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिसकी कृपा से, जिनकी कृपा से आज मैं आप लोगों के बीच में बाहर आ सका। लाखों करोड़ों लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। लाखों लोगों ने मन्नत मांगी, लाखों लोगों ने दुआएं की, आशीर्वाद भेजे, प्रार्थना की, मंदिर गए, मस्जिद गए, गुरुद्वारे गए, उन सब लोगों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आप सब लोगों का आज यहां पे इतनी बारिश में, इतनी बड़ी संख्या में यहां पे लोग, आप सब लोग आए हैं, आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं मैं। दोस्तों,
मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है। मेरे जिंदगी का एक एक पल, मेरे शरीर का एक एक कतरा, मेरे खून का एक एक कतरा देश के लिए समर्पित है। मैंने जिंदगी में बहुत संघर्ष किया है, बहुत बड़े बड़े संघर्ष किए, जिंदगी में बहुत मुसीबतें झेली हैं, लेकिन हर कदम पे भगवान ने मेरा साथ दिया है। ऊपर वाले ने मेरा साथ दिया, क्यों? क्योंकि मैं सच्चा था, मैं सही था, इसलिए भगवान ने मेरा साथ दिया। इन लोगों ने मुझे जेल में डाल दिया, इन लोगों को लगा कि केजरीवाल को जेल में डाल देंगे तो केजरीवाल के हौसले टूट जाएंगे। आज मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं जेल से बाहर आया हूं, मेरे हौसले 100 गुना ज्यादा बढ़ गए हैं। मेरी ताकत 100 गुना ज्यादा बढ़ गई है। इनकी जेल की मोटी मोटी दीवारें, इनकी जेल की सलाखें केजरीवाल के हौसले को कमजोर नहीं कर सकती। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, जैसे आज तक ऊपर वाले ने मेरे को रास्ता दिखाया, ऊपर वाले ने मेरे को ताकत दी, ऐसे ही भगवान मुझे रास्ता दिखाता रहे। मैं देश की सेवा करता रहूं और ये जितनी राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं जो देश के विकास को रोक रही हैं, जो देश को बांटने का काम कर रही हैं, जो देश को अंदर से कमजोर करने का काम कर रही हैं, जिंदगी भर में इनके खिलाफ लड़ाऊं, आगे भी ऐसे लड़ता रहूंगा। भारत माता की, भारत माता की। मेरा रंग दे बसंती, स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।